आदेश जय श्री महाकाल। संतों की सेवा, बहुत सारे लोग संतों की सेवा करते हैं और उन्हें जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते, उन्होंने अपने जीवन में कभी संतों की सेवा नहीं की होती। यदि आपको एक सच्चा संत, सच्चा गुरु, सच्चा सिद्ध मिल जाए और आपने अपने आप को उसके समक्ष समर्पित कर दिया, उसकी सेवा की, उसके पैर दबाए, उसके प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखा, तो निश्चय ही आपके जीवन की कई विपत्तियां कट जाएंगी। संतों की सेवा, माता पिता की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, ये आपके जीवन में उत्थान का मूल कारण है। हमारे पास जो लोग निःशुल्क में सेवा भाव से आते हैं रुकने के लिए, उनमें से जितने भी लोग अयोग्य थे उन सबको वापस भेज दिया उनके, और उनमें से जब अधिकांश लोगों को पूछा गया कि क्या आपने कभी अपने पिता की सेवा की है, कभी जीवन में आपने अपने पिता के पैर दबाए, तो उनका एक ही उत्तर था कि नहीं। क्या आपने अपनी माता की कभी सेवा की है, कभी उनके पैर दबाए, दो घड़ी उनके पास बैठे हो? तसल्ली से, एक सेवा भाव से कि मां आज मैं आपके हाथ या पैर दबा देता हूं, आप बहुत थक गए हों। क्या कभी किसी साधु महात्मा, क्या कभी उनके चरणों में बैठे हो, उनके पैर दबाए हैं तुमने, कभी हाथ दबाए हैं, कभी स्वयं से तुमने कहा है उनके चरणों के पास बैठ के कि महाराज कुछ ज्ञान दीजिए? नहीं, अधिकांश लोगों ने ये जीवन में कभी नहीं। देखिए, जीवन की सफलता के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, संतों की सेवा, माता पिता की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, दादा की सेवा, पैर दबाना, उनके पास समय गुजारना, बड़ों का आदर करना, ये समस्त चीजें आपके जीवन की विपत्तियों को काट देती। आध्यात्मिक सफलता में भी महत्वता है इन सब चीजों की। जब आप ये चीज करते हैं तो आपको एक आशीष प्राप्त होता है, वो आशीष जो आपके जीवन को बदल देता है, आपके जीवन में आ रही समस्याओं को खत्म कर देता है, और आपके जीवन में वो अवसर प्रकट कर देता है जो कभी आने ही वाले नहीं थे। आशीर्वाद की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, इसीलिए कहा जाता है कि आशीर्वाद लेने से जीवन बदलता है व्यक्ति का। हमने ये सभी चीजें, हमने अपने दादा के पास भी समय गुजारा, पिताजी के पास भी समय गुजारा, उनकी भी चरण दबाए, और एक संत हुआ करते थे, बहुत अच्छे संत, उनका नाम था राधाकांत आचार्य, उनके भी चरण दबाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये समस्त चीजें जब आप कर रहे होते तब आपको ज्ञात नहीं होती है, क्योंकि आप तो बालक हैं, आप तो छोटे हैं, आप बस कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं लगता है। वो चीजें फलीभूत हो जाती हैं, और इसी तरीके की अवस्थाएं शास्त्री जी के भी जीवन में थी। जब आप ये समस्त चीजें करते हैं तो आध्यात्मिकता का एक द्वार आपके लिए खुल जाता है, और यदि आप वो जीवात्मा हैं जो आध्यात्मिकता में यात्रा करने वाले, तो निश्चय ही आपके जीवन में आ रही जो रोड़े हैं, अड़चने हैं, वो दूर हो जाते हैं। छोटी छोटी सी चीजें आपके जीवन को बनाती हैं। जब एक बड़ा महल बनता है तो उसके अंदर छोटी छोटी सी ईंटें लगती हैं, सलिया लगता है, फाउंडेशन बनता है, तब वो बड़ा महल तैयार होता है। हवा में एक बड़ा महल कभी नहीं बन सकता है। आपके जीवन की सफलता के अंदर छोटी छोटी सी बातें समाहित हैं, और वो छोटी छोटी सी बातें ही आपके जीवन को बदलती हैं, छोटी छोटी सी बातें ही आपके जीवन में परिवर्तन लेके आती हैं और आपको सफलता प्रदान करते।
तो यदि आपके जीवन में ऐसा अवसर है तो उस अवसर को गवाइए मत। आपके माता पिता हैं, उन्हें समय दीजिए, उनकी सेवा कीजिए निस्वार्थ भाव से। इसलिए नहीं कि अब आप जान गए हैं कि ऐसा करने से क्या होता है, बल्कि इसलिए कि परमात्मा ने आपको सही समय पे ये ज्ञान प्रदान करवाया किसी के भी माध्यम से कि ये करने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है। आप किसी सन्यासी साधु के पास हैं तो निष्काम भाव से उनकी सेवा कीजिए। सोचने की आवश्यकता नहीं है, जब आप जीवन में ये करेंगे तो उसका प्रतिफल निश्चय ही आपके जीवन में फलीभूत होगा। तो बुजुर्गों की सेवा करने से, संतों की सेवा करने से आपके जीवन के कष्ट कटते हैं, आपके जीवन में आ रही समस्याएं कट जाती हैं। और यदि आप अध्यात्म मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं तो निश्चय ही अध्यात्म मार्ग के नवीन मार्ग आपके लिए खुल जाते हैं जो आपके जीवन को बदल देते हैं। आदेश जय श्री।